नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में तीसरे चरण का मतदान पूरा हो गया है। अब तीन चरण के मतदान पूरे हो गए हैं पूरे देश में। किस तरह का रुझान मिलना शुरू हो रहा है, क्योंकि आकलन और विश्लेषण का दौर अब शुरू हो चुका है कि इन तीनों चरणों में क्या कुछ हुआ है। अब तीसरे चरण के मतदान के बाद भी लोग आकलन लगा रहे हैं। जो राजनीतिक पंडित हैं वो अपनी अपने तरीके से बातें कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ देश के वरिष्ठ पत्रकारों का एक बड़ा और बेस्ट पैनल है, जिनसे हम समझने की कोशिश करेंगे, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि तीसरे चरण के मतदान के बाद क्या कुछ अब हवा बह रही है, क्या कुछ माहौल में देखा जा रहा है, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले योगेंद्र यादव जी के साथ, जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं और बहुत अच्छी समझ रखते हैं, पॉलिटिकल समझ रखते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश घुमाए, साथ ही साथ पूरा देश में भी भ्रमण किया है। दूसरे चरण के मतदान के बाद ट्वीट भी किया था योगेंद्र जी ने कि इस बार भूचाल आ जाएगा और ऐसा चुनाव उन्होंने नहीं देखा। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। योगेंद्र जी, पहले चरण का मतदान हमने देखा, दूसरे चरण का मतदान हमने देखा और अब तीसरे चरण का मतदान भी पूरा हो चुका है। क्या लग रहा है आपको, क्या लग रहा है, कौन आगे कौन पीछे, ये तीसरे चरण का जो मतदान हुआ है क्या कहता है? ये जो तीसरा चरण कागज पे देखें तो बीजेपी एनडीए के लिए सबसे अच्छा चरण है, क्योंकि इन 94, मैं 94 इसलिए कह रहा हूं कि मैं उसमें सूरत को भी शामिल कर रहा हूं जहां चुनाव नहीं हो रहा लेकिन चुनाव हो चुका है जी। इन 94 में से 80 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास थी, बीजेपी और सहयोगियों के पास। एक तरह से कागज पे आप कह सकते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है। इसी को दूसरी तरफ से देखिए तो ये सबसे खतरनाक है। सबसे खतरनाक इसलिए है that the opposition has nothing to lose. उनके पास तो सिर्फ 12 है। BJP has everything to lose. 94 में से 80 सीट को रिटेन करना, ये बिल्कुल टेढ़ी खीर है आज के माहौल में। आपने ठीक कहा, मैंने चुनाव के पहले दो चरणों पे निगाह रखी और मेरा और मेरे सहयोगियों का मानना था, हम एक एक सीट का मूल्यांकन करते रहे हैं, कि पहले दो चरण में बीजेपी लगभग 20 सीट लूज कर चुकी है, जितना उसके पास 2019 में था उसकी तुलना में। और हमें लगता है कि इस तीसरे चरण में, सिर्फ इस तीसरे चरण में बीजेपी को 20 और सीट का घाटा हो सकता है जी। इसे आप मुख्य राज्यों के देखें, जो एक राज्य जिसपे हम उत्तर भारतीयों की निगाह कम जाती है, क्योंकि हम उत्तर भारतीय थोड़ा ना पूरे दुनिया को सिर्फ उत्तर प्रदेश बिहार राजस्थान की तरह देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनाव इस वक्त कर्नाटका में हो रहा है। कर्नाटका के 28 में से 14 पहले, आधे का एक हफ्ता पहले हो चुका था, बाकी आधे का आज हो रहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि बीजेपी की झोली में 14 की 14 पड़ी है और यहां अगर चुनाव जैसा गया संकेत आ रहे, इस 14 में से 8-10 बीजेपी की जेब से जा सकती है, यानी कि अकेले कर्नाटका में 10 सीट तक का नुकसान हो सकता है। अगर आप विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाए तो बीजेपी को 14 में से 7 का नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर आप देखें कि पिछले एक सप्ताह में क्या हुआ है देश और कर्नाटका में जी, जिसके प्रज्वल रेवन्ना का कांड कहा जा रहा है, इसको सेक्स कांड कहा जाता है, सेक्स कांड है नहीं, ये तो बिल्कुल सीधे सीधे यौन शोषण अपराध और हिंसा का कांड है। ये जो कांड है इसका इतना गहरा असर हो रहा है कि ये भी संभव है कि 14 में से बीजेपी 11 सीट तक, 10-11 सीट भी लूज कर सकती है इस राउंड। तो सबसे बड़ा खेल वहां है। इसके अलावा महाराष्ट्र में हो रहा है ये चुनाव, बड़े महाराष्ट्र में 11 सीट इस बार जा रही है, बहुत बड़ा राउंड महाराष्ट्र के लिए है। इस राउंड में शरद पवार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी है। ये वो इलाका था जहां पिछली बार बीजेपी ने शरद पवार को पछाड़ दे दी थी, उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी है। लेकिन शरद पवार पुराने खिलाड़ी हैं, राजनीति के मचे हुए खिलाड़ी हैं और उन्होंने इस बार कई ऐसे मूव्स किए जो बीजेपी का मुकाबला करने के लिए खड़े हैं। और जो ग्राउंड से खबर आ रही है वो यही है कि जहां तक राष्ट्रवादी पार्टी एनसीपी का संबंध है जी, जमीन पे कोई व्यक्ति अजीत पवार को एनसीपी मानने के लिए तैयार नहीं है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई व्यक्ति शिंदे की पार्टी को शिवसेना मानने को तैयार नहीं है। तो इसकी परीक्षा इस बार होगी और यहाँ पे फिर यानी कि राष्ट्रवादी पार्टी, शिवसेना और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो 2-3 सीट छीनने की स्थिति में है। बाकी राज्यों में थोड़ा बहुत है। इस बार मध्य प्रदेश में जहां चुनाव हो रहे हैं
उसमें मध्य प्रदेश का जो भिंड ग्वालियर वाला इलाका है, ग्वालियर मुरैना भिंड इससे जुड़ा ये जो सारा इलाका है, यहाँ पे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। और जी जी इस राउंड में पूरा का पूरा गुजरात हो रहा है, बीजेपी को उसकी तसल्ली रहती है, एक तरह का आत्मविश्वास रहा है। लेकिन पिछले 5-7 चुनाव में सन 2017 के बाद सबसे ज्यादा चैलेंज बीजेपी को अगर कोई मिला है तो अब 2024 में मिल रहा है। मैं नहीं पता जानता कि उसमें कितनी सीटों में ट्रांसलेट होगा, मान लीजिए बहुत ज्यादा सीटों में ट्रांसलेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि गुजरात में जिस तरह का शिकंजा बीजेपी का है उसको ढीला करना आसान नहीं है। लेकिन गुजरात की जो ट्राइबल बेल्ट है, साबरकांठा, बनासकांठा, इधर छोटा उदयपुर, फिर नीचे दाहोद से लेके आके सूरत के नज़दीक से होते हुए जाए, ये जो पूरी बेल्ट है, यहाँ पे कम से कम 3 सीटों पर बीजेपी को गंभीर चुनौती मिल रही है। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा, अभी उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा क्योंकि आपको उसमें ज्यादा दिलचस्पी रहेगी, लेकिन मेरी हमेशा कोशिश होती है कि हम उत्तर प्रदेश बिहार के बाहर भी भारत को देखें जी, क्योंकि जी। चुनाव बहुत बड़े पैमाने पे वहां लड़ा जा रहा है। जो कुछ ग्राउंड देखिए वहां क्या हुआ है, जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस बुरी तरह हारी, वहां आम आदमी पार्टी भी थी, आम आदमी पार्टी को अप्रत्याशित सफलता मिली वोट की टर्म्स में, सीटें बहुत नहीं आई लेकिन वोट उनको काफी आया था वहां पे। इस बार आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलके लड़ रही है, उनके मिलके लड़ने का जो असर है सबसे ज्यादा दक्षिण गुजरात में पड़ेगा, उसका जो ट्राइबल बेल्ट है वहां पे पड़ेगा। तो अगर हम उसके हिसाब से देखें तो मैं गुजरात के परिणाम को देख रहा हूँ, ये जो लोकसभा का चुनाव था, विधानसभा के चुनाव जिसे बीजेपी ने एकदम झाड़ू लगा दी थी गुजरात के अंदर, और इससे पहले लोकसभा में तो लगाई चुकी थी, अगर उस विधानसभा चुनाव परिणाम के हिसाब से देखें और उसको लोकसभा में कन्वर्ट कर लें, सिंपली कुछ नहीं करना, उस हिसाब से भी 3 लोकसभा क्षेत्र हैं जहां बीजेपी पिछड़ी है, तो 26 में से 3 विधान लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी ऑलरेडी पिछड़ी हुई है। उसके आधार पर जो जमीन से फीडबैक आ रहा है उसके आधार पे गुजरात के सौराष्ट्र के कई इलाकों में राजपूतों का विद्रोह हुआ है, उसको एक महत्वपूर्ण कारण के रूप में मान, देखिए सारा का सारा गुजरात केवल एक ही चरण में हो रहा है, पूरी 26 सीट का आज ये जो चुनाव हो रहा है पूरा का पूरा एक चरण में हो रहा है। तो सौराष्ट्र में भी ये विद्रोह है जो कि गुजरात के कुछ हिस्से को असर करेगा। जैसे मैंने कहा, ये सब करने के बाद मैं ये नहीं कह रहा कि 26 में से 10 सीट चली जाएंगी, ना, मैं तो अभी कह रहा हूँ 26 में से 3, पहले हर साल 26 ले रही थी बीजेपी, तो मैं अब कह रहा हूँ कि 26 में से 3 सीट निकलने की गुंजाइश है, गंभीर चुनाव हो रहा है, कई दूसरे इलाकों से भी रिपोर्ट आ रहा है। लेकिन मैंने इन सब चीजों में मेरी एक टेंडेंसी है कि मैं बिल्कुल मिनिमलिस्ट व्यू लेता हूँ, कंजर्वेटिव, कि मैं ज्यादा उछल कूद के बहुत बड़ी बड़ी बातें करना वो नहीं, जो बिल्कुल न्यूनतम चीज है जो दिख रही है आंख से उतनी बात करना। तो उस आधार पे मैं कह रहा हूँ कि गुजरात में भी 3 सीटों का खतरा बीजेपी को है यहाँ। बाकी राज्यों को यदि हम क्विकली एक बार देख लें, क्योंकि जैसा मैंने कहा सभी राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और हम उसको देखते जाएं, बिहार की 5 सीट है जिसमें से 1 बीजेपी को आई थी पिछली बार, 4 इनके पार्टनर्स को आई थी, और जैसा कि आप जानते हैं बिहार में असली खतरा बीजेपी के पार्टनर्स को, बीजेपी को अपेक्षाकृत कम खतरा है, एलजेपी और खासतौर पे जेडीयू को खतरा है, तो वहां वल्नरेबल हैं 4 सीटें। बंगाल में 4 सीट है जहां बीजेपी को 1 आई थी पिछली बार, इस अगर विधानसभा चुनाव के हिसाब से जाए तो वो सीट भी जाती हुई दिखाई दे रही है। और छत्तीसगढ़ में जितना बचा हुआ छत्तीसगढ़ है सारा इस बार जा रहा है, छत्तीसगढ़ में पिछले 2 फेज में 1 और 3-4 सीटें हुई हैं, बची हुई 7 सीटें आज छत्तीसगढ़ में जा रही हैं जी, और इन 7 में से ज्यादा नहीं तो मैं कहूंगा 1-2 सीट पर जी बीजेपी को यहाँ भी खतरा दिखाई दे रहा है। तो कुल मिला के मोटी तस्वीर ये है, उत्तर प्रदेश का भी जिक्र कर दूं सीटों की टर्म्स में, क्योंकि उत्तर प्रदेश में इस राउंड में 10 सीट जा रहे हैं, और 10 में एक तो वो इलाका है जो कि दोआब का इलाका है, पिछले कुछ दशकों से उसको मुलायम सिंह जी की बेल्ट कहा जाता है। हाँ, मैं किसी जाति विशेष के नाम से किसी का पट्टी का नाम देने के पक्ष में नहीं हूँ, ना जाट पट्टी ना यादव पट्टी, क्योंकि लोग भूल जाते हैं कि सब में दलित भी होते हैं, और जब किसी जाति विशेष की पट्टी बताया जाता है उस जाति का वोट मुश्किल से 20-25% होता है, इससे ज्यादा नहीं होता है आदिवासी आबादी, बाकी जातियों की पट्टी में कहीं उस जाति का वोट 20-25% से ज्यादा नहीं होता। हाँ, उसका एक दबदबा होता है जिसके नाम पे हो जाता है,
तो ये एक जो दोआब का क्षेत्र है इस क्षेत्र में, और दूसरा रोहिलखंड की 3 सीट, ये पूरा हिस्सा जा रहा है इस वक्त, जहां पिछली बार 8 सीट बीजेपी ने जीती थी। वो 8 सीट में से बीजेपी, अगर हम विधानसभा चुनाव के हिसाब से भी देखें, तो बीजेपी को पिछली बार 8 सीट इन्हें थी बीजेपी को, और 2 सीट आई थी समाजवादी पार्टी को। यहाँ विधानसभा चुनाव की दृष्टि से देखें तो बीजेपी को 1 सीट का नुकसान और होना चाहिए, तो 8 की बजाय 7 हो जाएंगी। लेकिन ये स्थिति वो तब, जबकि अगर हम 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव के हिसाब से देखें। लेकिन जो कुछ फिर हमें जमीन से खबर आ रही है, बरेली में गंगवार जी को टिकट देना ही कर दिया गया, जिसकी वजह से अच्छा खासा विद्रोह है, और विद्रोह केवल एक व्यक्ति का नहीं है, वो एक वर्ग का है, जिस कुर्मी वर्ग को बीजेपी ने इतना केयरफुली अपनी तरफ किया था, उस वर्ग की तरफ से विद्रोह है। और दूसरी बात जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में केवल पुराने समीकरण की नजर से न देखिए, केवल ये जाति वो जाति नहीं, जो मेरी समझ में आया है वो ये है कि किसी कारणवश लोगों का 10 साल से रुका हुआ असंतोष अब एक सतह पे आ गया है, और तमाम जातियों में, ब्राह्मण से लेके अति दलित तक, सब में बीजेपी का वोट कुछ कुछ प्रतिशत खिसक रहा है, जिसमें से हम ये नहीं कहते हम सिर्फ इतना देखते हैं इतने परसेंट का ड्रॉप होगा तो एटलीस्ट इतनी सीटें डूबेंगी, ना पानी इतना उतरेगा तो या पानी इतना चढ़ेगा तो इतनी चीजें डूबेंगी। अब उसमें से एक्स डूबेगा वाई डूबेगा, इसका कम से कम हमारे स्टाइल की सिफोलॉजी में हम नहीं करते थे, लेकिन मोटे तौर पे कहूं तो इस 10 में से आधी सीटें बीजेपी की इस बार खतरे में हैं, जबकि पिछली बार केवल 2 थी, विधानसभा के हिसाब से सिर्फ 3 होती, लेकिन ये 5 तक जा सकता है। तो कुल मिलाकर इन 80 में से कुल थी सीटें थी 94, जिसमें से एक ऑलरेडी बीजेपी की जेब में चली गई है, और 80 सीटें उस एक को मिला के 80 सीटें बीजेपी की जेब में पिछली बार थी। मैं नहीं समझता कि बीजेपी उनमें से 60 से ज्यादा रिटेन कर पाए। अब आप कहें एक तरह से देखें तो सफलता है कि भाई 94 में से 60 आ गई, और क्या चाहिए, फर्स्ट डिवीजन, उससे ज्यादा डिस्टिंक्शन मार्क्स आ गए। लेकिन बीजेपी का जो संकट है वो ये कि उसको पूरी हिंदी पट्टी में लगभग सारी सीटें जीतना अनिवार्य है। अगर यहाँ नहीं जीतेगी, क्योंकि केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यहाँ पे तो मुश्किल से कुछ गिनती की सीट बीजेपी के पास आएंगी, तो उसे यहाँ झाड़ू लगाना अनिवार्य है, और वो झाड़ू लगती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और अगर 20 सीट इस फेज में से खिसक गई, और जैसा मैंने कहा, एक हमारा बहुत मोटा सा मूल्यांकन ये है कि पहले 2 फेज में जो 190 सीट गई है, 190 से कुछ ज्यादा, 190-92 सीटें गई है, उनमें से 20 सीट का नुकसान बीजेपी को ऑलरेडी हो चुका है। तो 20+20 का अगर नुकसान इस फेज में भी 20 का हो जाता है, तो ये 40 का नुकसान जो बीजेपी को है, इसका मतलब होगा कि अगर 40 का 40 बीजेपी को नुकसान हो जाता है, तो इसका मतलब है अब तक ऑलरेडी बीजेपी 272 के आंकड़े से नीचे चल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया योगेंद्र यादव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। चलिए हमारे अगले पैनलिस्ट हैं प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, उत्तर प्रदेश की अच्छी खासी समझ रखते हैं, तीसरे चरण का मतदान हो चुका है। प्रेम कुमार जी बहुत स्वागत है आपका। प्रेम कुमार जी, अब ये तीसरा चरण भी निपट गया है, 10 में से 8 सीटें उत्तर प्रदेश की जो कि जिसपे चुनाव हुआ है, जिसपे आज मतदान हुआ है, वहां पर 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। 2 सीटें थी मैनपुरी और संभल जो कि समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। तो अब इसको कैसे देखा जाए, इस तीसरे चरण को कैसे देख रहे हैं, किसकी जीत किसकी हार आपको लग रही है, इंडिया आगे या फिर एनडीए आगे, इस यादव लैंड में किसकी धमक दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लग रहा है कि बराबरी का मुकाबला, थोड़ा सा एज बीजेपी को लगता है कि एक आध सीट बीजेपी ज्यादा रह जाए, लेकिन जो अपोजिशन है पिछले बार के मुकाबले 4 सीट या 5 सीट बढ़ता हुआ, मान लीजिए 2-3 सीटें थी, 11 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं ना जी, 2 जो है ना संभल और मैनपुरी, ये दोनों हाँ सीटें, बर्क साहब वाली सीट और डिंपल यादव जी पिछली बार जीती थी ये के पास थी, बाद में फिर तो बाई इलेक्शन लड़ने चली गई थी, तो वो था। लेकिन ये जो मैनपुरी की सीट है, ये मैनपुरी की सीट और आपको
संबल की सीट, दोनों समाजवादी पार्टी के पास है और इस बार भी जीतने के पूरे आसार है, इसमें हारने का कोई प्रश्न उठता नहीं है। अब ये जोड़ सकते हैं, जैसे फतेहपुर सीकरी जोड़ लें अपने साथ, बदायूं जोड़ लें अपने साथ, आंवला में अच्छी टक्कर है वो भी जोड़ सकते हैं। तो हम सोचते हैं कि दो जो है ये समाजवादी पार्टी, उसमें दो या तीन और जोड़ सकती है, यही मुकाबला 6-5-5 हो जाए, 6-4 हो जाए, ये मुकाबला हमें दिखता है जी। प्रेम कुमार जी एक बात और निकल कर सामने आई है, इस बार का जो मतदान हुआ है उस दिन जुम्मा भी नहीं था, शुक्रवार भी नहीं था, और लोग बता रहे हैं कि अपने घरों से खूब निकले हैं, तो इसको कैसे देखा जाए? देखिए, जुम्मे वाले दिन को आमतौर पर मुसलमानों से जोड़ के देखा जाता है, लेकिन हकीकत दूसरे रूप में आई है कि मुसलमानों में वोट देने की प्रतिबद्धता पहले से ज्यादा मजबूत हुई, उनको दिक्कत सह करके भी, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ करके भी वो वोट देने के लिए खड़े हैं धूप में, चाहते हैं कि हम वोट दें, क्योंकि उनको जितना दुत्कारा जा रहा है, जितना राजनीतिक व्यवस्था से दूर किया जा रहा है, उनकी चिंता राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने की उतनी बढ़ गई, वो वोट का महत्व समझ रहे हैं जी। दूसरी तरफ शुक्रवार का असर हिंदुओं पर ज्यादा पड़ रहा है, गैर मुस्लिमों पर ज्यादा पड़ रहा है, उनको 3 दिन की छुट्टी मिल जा रही, शुक्र शनिचर इतवार, अब ये 3 दिन जो संभ्रांत परिवार हैं जो रहते हैं मल्टी स्टोरीज बिल्डिंग में, वो छुट्टी लेके शिमला मनाली चले जाते हैं ठंडा, थोड़ा गर्मी से बचने के लिए, तो वोटिंग इधर कम हो जा रहा है जो गैर मुस्लिम है उसमें, ये जो सोच के भी जिसने भी किया होगा, अगर सोच के किया तो उल्टा पड़ रहा है। दूसरी बात यह है कि ये जो वोट परसेंटेज पहले चरण से दूसरे चरण में ज्यादा हुआ, तो ये थोड़ी सुखद बात थी कि वोटिंग तो ज्यादा होनी चाहिए ना, अब उसका इम्पैक्ट किसको पड़ता है क्या पड़ता है वो तो बात की बात है, देखेंगे, एनालाइज करने का विषय है, हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े, तो उस हिसाब से क्या तीसरे चरण में बीते दो चरणों के मुकाबले ज्यादा वोट पड़ता है, हम उम्मीद करते हैं कि ज्यादा वोट पड़े और पड़ना चाहिए। तो हम उत्तर प्रदेश में जो जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं उसमें देखिए, मैनपुरी, संभल, ये समाजवादी पार्टी की जीती हुई सीट, बाकी जगहों पे बीजेपी ही है, तो बीजेपी के लिए अपनी सीटों को बचाना एक मुश्किल टास्क है, मुश्किल टास्क है कि देखिए इस बार हाथरस भी है, आपको आगरा भी है, आंवला भी है, बदायूं भी है, तो इन सब सीटों में, बदायूं में भी समाजवादी पार्टी अच्छे से टक्कर दे रही है, कुछ सीटों पर आपको बहुजन समाज पार्टी भी है जो चुनाव को प्रभावित कर रही है, वो उम्मीदवारों से प्रभावित कर रही है, अपनी वोट बैंक से प्रभावित कर रही है, तो इस हिसाब से हमको ये पूरा जो चरण है ये बीजेपी के लिए बहुत चैलेंजिंग है। अगर बीजेपी अपनी सीट बचा ले जाती है तो समझिए कि पूरे उत्तर प्रदेश में उसका जो टारगेट है कि अपनी सीट बचाना, उसमें कुछ एड ऑन करना, उस लिहाज से ये चरण बीजेपी के लिए बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि पहला और दूसरा चरण उसमें बीजेपी का स्टेक कम था, इस बार जो है या आगे जो होगा उसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा हैं जीती हुई। बिल्कुल प्रेम कुमार जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम बातचीत की, चर्चा की, और जो आपने जो विश्लेषण किया है उसके लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों को बहुत सहूलियत मिली होगी आपकी बातें सुनकर और समझ में आया होगा कि आखिर क्या कुछ समीकरण और गणित बैठ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, अगले जो पैनलिस्ट हैं उनका नाम है पुष्पेंद्र शर्मा, यूपी पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ रखते हैं, उंगलियों पर उनको सीटों के नाम और प्रत्याशियों के नाम रटे हुए हैं। पुष्पेंद्र शर्मा जी, बहुत स्वागत है आपका भारत एक सोच पर। पुष्पेंद्र शर्मा जी, क्या अब उत्तर प्रदेश में या की देखा जाए कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो जोड़ी एक साथ फिर से दिखाई दे रहे हैं, इंडिया गठबंधन कितनी धमक दिखाई दे रही है, या फिर एनडीए कितना आगे जाता दिखाई दे रहा है, ये जो तीसरे चरण का मतदान हुआ है ये क्या कहता है, जरा ये समझाइए। अगर मोटे तौर पे देखें तो पहले दो चरणों को छोड़ दें तो यहाँ भी मुकाबला लगभग बराबरी का दिखता है, 4-4 सीट ऐसी हैं जो दोनों को आसान दिखाई देती है दो के लिए, और 2-3 सीटें ऐसी हैं जहाँ मुकाबला कहीं भी जा सकता है, और सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ चाहते हुए भी मुद्दे जो स्थानीय है वो अपनी वो जगह नहीं बना पाते जो बनने चाहिए, तो मुद्दे जो है हवा हवाई हो गए हैं, कुछ जगह पर जो उम्मीदवार है उनकी जो एंटी इनकम्बेंसी है या वो गायब रहे वो शायद ज्यादा मुद्दा बन रहा है, जैसे कि अगर हम उधर से शुरू करते हैं, मतलब इस क्षेत्र के दक्षिण से,
फतेहपुर सीकरी से अगर बात शुरू करते हैं, वहाँ राजकुमार चाहर जब उन्होंने राजनीतिक करियर शुरू किया तो बड़े जुझारू थे, अकेले चुनाव निर्दलीय लड़ गए, वहां पर भी बड़े भारी मतों से लेकर आए और जीते भी 5 लाख के मार्जिन से जब टिकट मिल गया। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि लोग पूछने लगे कि क्या वो लंदन चले गए हैं, कहाँ चले गए हैं, जो इतना जुझारू था वो कहाँ गायब हो गया। तो उनको एक भारी विरोध का सामना करना पड़ रहा है। वहां पे एक और फायरप्रांड नेता थे बाबूलाल, जो विधायक थे, और तो बाबूलाल के जो बेटे हैं रामेश्वर, वो अभी भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। बाबूलाल वहां कैंपेन करने गए नहीं अभी तक। दूसरी तरफ जो कांग्रेस का प्रत्याशी है शुक्रवार, वो एक फौजी के रूप में निर्दलीय लड़े थे खेरागढ़ से, तो अच्छी खासी लोकप्रियता उनकी है। फिर प्रियंका ने कल रोड शो किया, तो जो सूचनाएं मिल रही हैं वो तो ये है कि भाई बड़ा जबरदस्त रोड शो था। तो लेकिन 5 लाख का अंतर, तो उसके सामने क्या ये सारी विरोध वाली बातें और सारी कुछ काम आएगी या वो अंतर बना रहेगा? वहां पे एक स्थानीय और राजा हरिदमन सिंह भी है, जो ठाकरों के नेता भी हैं, और उन्होंने भी मंच पर एक तरह से विरोधी कर दिया था राजकुमार चार का। तो मुझे लगता है कि जो 5 लाख वाली सीट आसानी से जीत वाली थी, अगर वहां पर भी मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी के लिए आ रही हैं और स्वयं सारे बड़े नेताओं को वहां डेरा डालना पड़ा, राजनाथ सिंह ने पर्सनली फोन किए, जानकारी तो यह है कि अमित शाह जी ने भी निजी तौर पर फोन किए कुछ लोगों को, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई, और बाबूलाल को शायद नोटिस भी दे दिया गया है क्योंकि वो चुनाव प्रचार से गायब है अपने बेटे के नामांकन के बाद। तो मुझे लगता है कि इतनी आसान सीट पर भी अगर दिक्कत है तो फिर हो सकता है हमें पूरी जानकारी ना हो, जमीनी और जगह भी ज्यादा दिक्कतें भारतीय जनता पार्टी को झेलनी पड़े। तो मोटे तौर पे हम धीरे धीरे चलेंगे, एक एक सीट की बात करते हुए चलेंगे। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए ज्यादा बड़ी चुनौती है कि वो इन सब सीटों को कैसे संभाल पाएगी। मुझे लगता है कि पूरी सीटें तो नहीं संभलती, नुकसान होता दिखता है मुझे। अगर हम वहां से आगरा चलते हैं तो देखिए, आगरा भी अपेक्षाकृत भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान सीट है। वहां से पूजा अमरोही आई हैं और दूसरे वो व्यापारी हैं सुरकरदम, तो वो कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे। बघेल पहले भी एसपी सिंह बघेल 2 लाख वोटों से जीते थे, और आगरा एक तरह से ना पहले तो बसपा की बड़ी मजबूत वोटिंग थी और सब कुछ माना जाता था, लेकिन अगर हम पिछले 10-12 साल से देखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छी पकड़ वहां बनाई है। और जातीय समीकरण भी ऐसा बन जाता है कि उसका लाभ इन्हें मिल जाता है। तो वहां पे मुझे कोई ऐसा समीकरण नहीं दिखाई दे रहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी चुनौती कोई बन के आ रहा हो। हाँ, देखिए पूजा अमरोही को भी बाहर का कैंडिडेट माना जा रहा है, उन्हें व्यापारी कैंडिडेट माना जा रहा है, लेकिन अंदरूनी जो विरोध है उन पर काबू पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। और मतदाता उसके लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, आज पूरे दिन में पता चलेगा कि भाई इनके वर्कर्स कैसे निकले, संघ ने कितना साथ दिया, कितने लोग बूथों तक पहुंचते हैं शाम तक जो रिपोर्ट्स आएंगी, तो मुझे लगता है उस पर निर्भर करेगा। तो फिर भी अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो मुझे यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की राह आसान दिखाई देती है। तो हमने बताया कि फतेहपुर सीकरी में थोड़ी जो इतनी 5 लाख की लीड वाली सीट थी, वहां पर अंतर विरोधों का सामना करना पड़ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनकी एंटी इनकमेंसी का करना पड़ रहा है, और अंदरूनी बहुत लड़ाई है। जैसे मैंने आपको नाम गिनाया कि हरिदमन सिंह ने समर्थन नहीं दिया, बाबूलाल के बेटे खुद लड़ रहे हैं रामेश्वर, और बाबूलाल ने भी इनके प्रचार में कोई योगदान नहीं दिया। स्थानीय लोग भी थोड़ा सा राजकुमार चार से नाराज हैं कि वो उनसे मिलते नहीं है, जब से वाले जीते उसके बाद से नहीं मिले। तो मुझे लगता है कि वहां पे भारतीय जनता पार्टी हो सकता है जीत जाए, पर दिक्कत तो जरूर है। मैंने फिर दूसरी सीट बताई आपको आगरा, कि एसपी सिंह बघेल वहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए हालांकि दोबारा आ रहे हैं, तो मुझे वो फिर भी अपेक्षाकृत आसान सी सीट लगी है। अब करते हैं नुकसान की बात। भाई हम फिरोजाबाद चलते हैं। फिरोजाबाद में पिछली बार सपा का परिवार कुनबा बिखरा हुआ था, शिवपाल सिंह खुद लड़े थे, 90,000 से ज्यादा वोट ली थी और 2.1% के मार्जिन से अक्षय यादव हार गए। ठीक, तो इस बार उन्होंने विश्वजीत सिंह को वहां से उतारा है भारतीय जनता पार्टी ने, पर समाजवादी पार्टी ने फिर से अक्षय यादव पर दांव लगाया है। रामगोपाल यादव का वो नेटिव प्लेस है, वो हर समय वहां रहते हैं, बहुत सी सभाएं भी करी उन्होंने, और बार बार वो दलितों को लुभाने की कोशिश करते हैं, है ना, तो दलितों को इसलिए लुभा रहे हैं 400 पार का नारा देके कि अगर वो वोट और प्लस हो जाए तो बड़ी आसानी हो जाएगी। हालांकि जो विश्वताप सिंह भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको बड़ी, क्योंकि बहुत से वहां पे ठाकुर भी, अगर आप देखिए टुंडला की बात करते हैं तो वहां बघेल ज्यादा हो जाते हैं,
जसराना और दूसरी विधानसभा की सिरसागंज की बात करते हैं तो वह यादव हो जाते हैं। तो मुझे ये सारे कारणों से मिला के और शिपाल का साथ आ जाना, हालांकि एक बात हम अपने दर्शकों को बताना जरूर चाहेंगे, सारा कुछ कुनबा एक साथ आ गया, समाजवादी पार्टी का सब हो गया, लेकिन शिवपाल सिंह यादव मेरी जहां तक जानकारी है अभी तक निजी तौर पर किसी बड़े मंच पर अक्षय के समर्थन के लिए प्रचार में नहीं आए थे। वो क्या कारण है, हालांकि उनका कहना यह है कि वो बदायूं में व्यस्त थे, तो ये कारण हो भी सकता है, लेकिन ये एक सवाल है जिसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया कि वो ऐसा क्यों हुआ। पर क्योंकि वो नहीं है और वोट बटेंगे नहीं, तो मुझे यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती दिखती है और मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अपना पुराना रुतबा कायम कर सकती है। तो ये एक पिछली बार से अगर तुलना करें तो ये एक सीट मुझे भारतीय जनता पार्टी के लिए नुकसान देती दिखाई देती है। और सर आगे अगर हम बात करें इसके बाद फिर बरेली हम चलते हैं, पहले हाथरस चलते हैं, ज्योग्राफिकली चल रहे हैं तो वैसे ही पड़ेंगे, हाथरस चलते हैं। हाथरस देखिए, हाथरस कंपेरेटिवली भारतीय जनता पार्टी के लिए ना एक किले जैसी बन गई। हाँ, अब ठीक है अनुप प्रधान वाल्मीकि आए हैं, उनका मतलब जो विधानसभा सेगमेंट है ना, असेंबली सेगमेंट, वो हाथरस लोकसभा क्षेत्र में पड़ता है, पर जिला अलीगढ़ है। और बाकी भाई इन्होंने तो सहारनपुर से ला के उतार दिया कैंडिडेट, दूसरा वहाँ पे है। तो मुझे जो जातीय समीकरण और सारी चीजें दिखाई देती हैं, हालांकि अभी कोई ट्रेंड मुझे मिले नहीं है, अभी सुबह से इतनी जानकारी नहीं मिल पा रही है कि कौन लोग कहाँ वोट डाल रहे हैं, कैसा चल रहा है, पर फिर भी मैं अपने दर्शकों से, ये मेरी निजी गट फीलिंग भी हो सकती है थोड़े, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है वो भी है, बिल्कुल किला सा बन चुकी है। तो मुझे भारतीय जनता पार्टी की जहाँ फिर रहा आसान दिखाई देती है, तो ये सीट मुझे लगता है फिर से वो बचा ले जाएगी। संभल में आपको मालूम ही है वहाँ पे भरत साहब थे, उनका निधन हो गया बिल्कुल चुनाव से कुछ दिन पहले, फिर उनके जो बेटे कुंदरकी से विधायक हैं उनको टिकट मिल गया। अब ठीक है, एक तो उन्होंने कुछ बातें ऐसी कह दी जो विवाद वाली आई, सारी बातें हुई, और वहां पे क्योंकि शहर में ही बड़ा शिव मंदिर भी है, उधर कली की धाम है, वैसे संभल में भाई ऐसी लोकसभा सीट है जिसमें 50% मुस्लिम मतदाता है, तो देखने में तो यूं लगता है कि बहुत आसान है और ये सपा के पास ही सीट थी। पर वहां हो क्या रहा है कि वहां पे जो दलित है ना, दलित इस बार बड़े वहां भी निर्णायक होने जा रहे हैं। क्या वो बसपा को देंगे, कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट तो नहीं हो जाएंगे, क्योंकि वहां पे पुराने कैंडिडेट उतारे हैं भारतीय जनता पार्टी ने, परमेश्वर राज से। तो अगर वो पिछड़ा मानते हुए या उनके साथ जाते हैं तो कोई बदलाव होता है प्रज्ञा जी, अन्यथा मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के लिए, क्योंकि भाई उसके लिए कुछ सिंपैथी भी होगी, तुर्क मुस्लिम है और यहाँ पर जो बाहुल्यता है वो तुर्क मुसलमानों की है। मुझे अपेक्षाकृत देखें तो कोई मुद्दे वहाँ विशेष बन नहीं पाए। एक वो इनके बयान को लेकर जरूर टीका टिप्पणी होती रही, सब कुछ होता रहा। उधर प्रमोद कृष्णम ने थोड़े दिन पहले अपने कल की धाम के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को भी वहाँ बुला लिया था, जब तक वो कांग्रेस में थे, कांग्रेस का आपको मालूम है सारा कुछ, बदायूं में तो शिवपाल यादव जी ने अपनी प्रतिष्ठा दांव पे लगा दी। लेकिन मैं उस चुनाव को बावजूद शिवपाल यादव की मेहनत के बाद भी फंसा हुआ मानता हूँ। जो शाख के वोट हैं और दूसरे वोट हैं सारे, वो कितना उनको एक कर पाएंगे, क्योंकि भाई मुस्लिम यादव तो हो गए, लेकिन क्या कुछ दलितों में सेंधमारी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आप याद रखिए कि पिछली बार वहां से मतलब किस तरह धर्मेंद्र हार जाते हैं, आप समझिए ना, तो यानी कि यहाँ वहां पे कोई गड़बड़ है समाजवादी पार्टी के साथ, सारा कुछ होते हुए भी। तो वक्त तो मेहनत तो बहुत करी है शिवपाल यादव, बहुत मेहनत करी है, तो और सूचनाएं भी जो मिल रही हैं वो यही है कि उनके भाई आदित्य के, आपको याद होगा एक वीडियो क्लिपिंग वगैरह जारी की गई उसके स्कूल के टाइम की, जो लाइब्रेरी में था, लड़की उसे बात कर रहा था। तो ये जो कोशिश होती है ना प्रज्ञा जी, ये एक संकेत होता है, जब विपक्षी हार रहा होता है तो वो इस तरह के निजी हमले कर, ये मेरा अनुभव है। तो मुझे लगता है कि आदित्य ने ठीक ठाक जगह बनाई होगी और या विपक्ष को ये लगा होगा कि भाई कहीं ये सीट चली ना जाए, बिल्कुल ठीक। तो जो भाजपा की वो नाराजगी या हताशा हो सकता है कि वो बिलो द बेल्ट जो उसका टिकट कटना, उससे मौर्यों पे क्या प्रभाव है क्या नहीं है। तो मतलब मैं ये तो नहीं कहता कौन भारी कौन है, पर वहाँ चुनाव
आसान नहीं है दोनों के लिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पुष्पेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए। अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं, केपी मलिक साहब हैं, बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं राजनीति की। उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार तीसरे चरण में क्या होने जा रहा है। बहुत स्वागत है केपी मलिक साहब आपका भारत एक सोच पर। केपी मलिक जी, जरा एक चीज समझाइए, बीजेपी क्या तीसरे चरण के मतदान के बाद हैरान परेशान है, हैरान परेशान होने वाली स्थिति है, जरूरत है भारतीय जनता पार्टी के लिए? तीसरे चरण का मतदान क्या कहता है, क्या विश्लेषण है, जरा एक बार समझाइए। जिस प्रकार से पहले दो चरणों में भारतीय जनता पार्टी पिछड़ती नजर आई है और आज तीसरे चरण का मतदान है, तो उसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को दो तीन चीजें देखनी होंगी कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से अपने मुद्दे बदले हैं, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने अपनी लैंग्वेज और अपनी जो भाषण शैली है वो बदली है, उसका कितना असर दिखाई देता है। और इसको तीसरे चरण को अगर हम लार्ज परिपेक्ष में देखें उत्तर प्रदेश के अलावा, तो इसमें गुजरात और कर्नाटक की सर्वाधिक सीटें हैं। गुजरात की एक फेज में ही सारी सीटें निपट जाएंगी, 26 में से एक सीट ऑलरेडी वो जीत चुके हैं सूरत की, तो 25 सीटों पर चुनाव है। और वहां पे आप देख रहे हैं ठाकुरों का और राजपूतों का जिस प्रकार से आंदोलन चल रहा है, तो उसमें मुझे लगता है कि रूपाला की सीट को दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा और जो दो ठाकुर बाहुल्य सीटें हैं उन पे भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल आ सकती है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आप देखेंगे कर्नाटक में, कि कर्नाटक में जो दूसरे दौर का चुनाव है और वहां पे लगभग कितनी सीटों पे है चुनाव, वहां पे मेरे ख्याल से आधी सीटों पे वहां चुनाव है, और वो जिस प्रकार से सीढ़ी कांड वहां हुआ है उससे भारतीय जनता पार्टी बहुत बैकफुट पे है। तो भारतीय जनता पार्टी वहां पे जिस प्रकार से महिलाओं के सम्मान और वो रोबोट दीदी और दूसरी दीदी बता रहे थे, वो सारे मुद्दे इनके फेल हो गए हैं, तो भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे चली गई, क्योंकि महिलाओं के किसी भी मुद्दे पे बात करने से भारतीय जनता पार्टी के नेता बचते हुए नजर आ रहे। तो ये मुद्दा कर्नाटक में नुकसान कर रहा है। इसके उलट अगर आप देखेंगे कि जिस प्रकार कांग्रेस सरकार बनने के बाद सीतारमैया जो गारंटी उन्होंने चुनाव के दौरान दी थी, अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने बताया था, वो धीरे धीरे उसको पूरा कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वहां थोड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो सकता है। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव है, 8 सीटें भाजपा के पास है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इन 8 में से मुझे लग रहा है कि 4 सीटों पर कड़ी टक्कर है। 4 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी और 4 सीटें हैं जिन पर वो सख्ती से लड़ रही है। जो भारतीय जनता पार्टी की मुफीद सीट मुझे दिखाई देती है, वो सीट मुझे आगरा दिखाई देती है कि भारतीय जनता पार्टी सीट जीत जाएगी। दूसरी सीट मुझे हाथरस दिखाई देती है। तीसरी सीट मुझे एटा की सीट भी दिखाई देती है, क्योंकि वो कल्याण सिंह की सीट रही है, आप जानते हैं, तो कल्याण सिंह की सीट भी वो निकाल लेंगे। मुझे जो मुश्किल दिखाई दे, समाजवादी पार्टी, उनके बेटे लड़ रहे हैं तो समाजवादी पार्टी सीट को निकाल लेगी। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं फतेहपुर सीकरी, जो भारतीय जनता पार्टी की जीती हुई सीट थी, जो दो बार से भारतीय जनता पार्टी की सीट है, इस बार वहां पे जो वर्तमान में सांसद है राजकुमार चार, उनका बहुत विरोध है। इसके अलावा वहां पे समीकरण ये बन गया है कि कांग्रेस ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दे दिया है जो सेना का जवान है और ठाकुर बिरादरी से आता है और बहुत लोकप्रिय वहां हो रहा है, और उसका बड़ा, जितने पत्रकारों से हमारी बात हो रही है, जितने लोगों से वहां बात हो रही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन उसका चल रहा है। और इसमें जो समीकरण बिगड़ रहा है यहाँ पे जो 2014 में बाबूलाल सांसद रहे हैं, अभी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, उनके बेटे निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बाबूलाल लगभग 8 बार से MLA हैं, मंत्री भी रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं रालोद के कोटे से, और अभी भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से, पिछली बार खुद सांसद थे, तो उनका जान सकते हैं आप कि कितना असर उस सीट पे होगा। तो उसमें जो उनका बेटे रामेश्वर लड़ रहे हैं, वो जाटों के वोटों में सेंध लगा रहे, तो उससे भारतीय जनता पार्टी फंस गई है। जो तीसरा कारण है, यहां से अगर आप देखेंगे बसपा के रामनिवास शर्मा लड़ रहे हैं, तो बसपा के जो रामनिवास शर्मा हैं वो लोकल हैं, और वो लोकल होने के नाते ब्राह्मणों का वोट काफी हद तक ले रहे हैं और दलितों का वोट भी उनको मिल रहा है। जैसे हम समीकरण की बात करते हैं कहीं भी, कि जो इन्होंने इस बार
संविधान की बात की है, संविधान के मुद्दे पे जो दलित वोटर है वो बहुत उग्र है, तो वो हाथी के बटन को मशीनों में ढूंढता है, तो हाथी का बटन जो है वो मायावती जी ने उपलब्ध करा दिया है। तो पिछली बार जो भारतीय जनता पार्टी को हाथी वाला वोट मिला था, वो वापस हाथी पे जाके भी भारतीय जनता पार्टी की ये जो सीट है मुझे खतरे में नजर आती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सीट भी जो है भारतीय जनता पार्टी इस बार लूज कर सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें फिरोजाबाद की, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये यादव और मुस्लिम बाहुल्य सीट है, और यहाँ से जो है समाजवादी पार्टी के अक्षय यादव लड़ रहे हैं, जो मुलायम सिंह यादव के भतीजे शिवपाल यादव के बेटे हैं, अखिलेश के कजन हैं। बहुत अच्छा चुनाव ये समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में चल रहा है, तो मुझे लग रहा है इस सीट पर भी बहुत घमासान है। और आपको याद होगा कि कल एक FIR भी शिवपाल यादव पे हुई है, उन्होंने कोई टिप्पणी मायावती के ऊपर कर दी थी, तो चुनाव आयोग ने बड़ी तेजी से उस पर रिएक्शन करते हुए FIR की है, तो उसका असर उनकी बिरादरी में कम से कम दिखेगा। थोड़ा लोग एग्रेसिव हो जाते हैं जब इस तरह की चीजें होते हैं। मुझे तो लगता है कि हो सकता है शिवपाल यादव ने एक राजनीतिक दांव या पैतरा चलाओ कि जिससे हमारे लोग एग्रेसिव होके वोट डालें, तो सुबह से ही लोगों की लाइन शुरू हो गई है पोलिंग बूथों पे। तो मुझे भी ये थोड़ा इस पर लग रहा है कि फायदा होता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि आप देखेंगे पिछली बार अक्षय यादव जो चुनाव यहाँ से लड़ रहे थे 2019 में, चंदशेर जादौन से बहुत ज्यादा फर्क उनको नहीं था। उसके बाद जो है अगर आप देखेंगे जो BSP का वोट था लगभग 1,00,000 वोट मिला था, और उसको तो शिवपाल यादव भी अलग लड़ रहे थे अपनी खुद की पार्टी से। शिवपाल यादव तो ये अगर एक लाख वोट भी आप जोड़ देते हैं शिवपाल वाले, तो ये जीत सुनिश्चित दिखाई देती है इससे। तो मुझे लगता है फिरोजाबाद की सीट भी आराम से ये सीट निकल सकती है। अगर मैनपुरी की बात करते हैं, मैनपुरी पे आप देखते हैं कि ये तो परंपरागत सीट मुलायम सिंह यादव की है, नेताजी यहाँ से लगातार जीतते रहे हैं। बाई इलेक्शन में अभी डिम्पल यादव जीती थी, वो फिर चुनाव लड़ रही है, तो इस पर कुछ बहुत शक शुबा मुझे नजर आता नहीं है समाजवादी पार्टी के लिए। ये बहुत अच्छी सीट है। करने की कोशिश की गई यादव वर्सेस ठाकुर, उसका क्या असर होगा? देखिए अगर आप देखें, ये जिस प्रकार से हमने वहां लोगों से पता किया है कि 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने वहां पे रोड शो किया था, उस रोड शो में बहुत भीड़ आ गई थी और कुछ नौजवान और कुछ बच्चे वहां मूर्ति के ऊपर चढ़ गए थे। हालांकि बाद में उन्होंने सुलह सफाई उस पर हो गई है और उनकी तरफ से खेद भी जताया गया, तो मामला सुलट गया है। हालांकि बताते ये है कि कोशिश ये की गई थी कि जिस प्रकार से ठाकुर नाराज चल रहे हैं तो उसको भुना लिया जाए और उनको वापस लाया जाए, इस तरह के एक सगुफा छोड़ने की कोशिश हुई थी, लेकिन वो मामला चला नहीं। तो मुझे नहीं लगता उस मामले पर कुछ बहुत ज्यादा होगा और वो मामला सब ठंडा हो गया है, इस तरह की चीज मुझे कोई दिखाई दे नहीं रही वहां पे। देखिए आप ये देखेंगे क्योंकि ये जो इलाका है ये इटावा का इलाका है और सैफई इसी गांव में आता है जो नेताजी का अपना गांव है। तो यहाँ पे जो लोग हैं यादवों के अलावा भी जो लोग हैं वो किसी न किसी तरह से भावनात्मक रूप से नेताजी से प्यार करते हैं, नेताजी से जुड़े हुए हैं और वो जानते हैं कि नेताजी की बहू डिम्पल यादव है, तो उसका भावनात्मक फायदा भी डिम्पल यादव को भी मिलता हुआ दिखाई देता है और समाजवादी पार्टी को भी दिखाई देता है। तो इस सीट में भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार है को बहुत करिश्मा दिखा पाएंगे मुझे इसका नहीं लगता। बाकी जैसे जैसे वोटिंग फीसद देखना होगा, वोटिंग फीसद कितना बढ़ता है, क्योंकि पहले दो आपने चरणों में देखा है कि वोटों का जो फीसद है वो गिरता जा रहा है। अगर तीसरे चरण में भी यही हाल रहा तो फिर ये सत्ताधारी दल के लिए तो मोटा मोटी नुकसान है ही, लेकिन दूसरे जो पक्ष है उनके लिए भी थोड़ा नुकसान करता है। लेकिन मुझे लगता है कि तीसरे चरण में जो इलेक्शन कमीशन ने भी जागरूक करने की कोशिश की है, बाकी लोग भी प्रार्थना कर रहे हैं वोटर से कि भाई घर से बाहर निकलिए, और अभी थोड़ा सा ये भी है कि खेती का जो काम था वो भी कुछ कम हो गया है और मौसम पे भी थोड़ा डिपेंड करता है, तो मुझे लगता है कि मत फीसद बढ़ना चाहिए। अगर मत फीसद बढ़ता है तो फिर हार जीत का अंतर भी बढ़ेगा इस सीट की अगर आप बात करें। दूसरा एक चीज मैं और यहाँ पे एटा का जिक्र करना चाहूंगा, जो मुझे ये सीट लगती है कि एटा की सीट भारतीय जनता पार्टी की अपनी परंपरागत सीट है, ये कल्याण सिंह का क्षेत्र है और उनके जो बेटे हैं राजवीर सिंह राजू भैया वो 2 बार से लगातार यहाँ पे सांसद हैं और इस बार भी उनको कोई बहुत ज्यादा दिक्कत होगी मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे जो लोधी है
जो स्वर्ण राजपूत हैं और दूसरे जो शाक्य हैं, ये मिलके इनको जिता देते हैं। यादव बोट है यहाँ पे, लेकिन यादव बोट उस लेवल पे नहीं है कि किया जाए। हालांकि अगर आप देखा जाए कि अखिलेश यादव ने इस बार जातीय समीकरण साधने के लिए शाक्य को टिकट दिया है कि शाक्य मुसलमान और कुछ पिछड़े मिलके अगर वोट मिल जाते हैं तो चुनौती तो उनके लिए बड़ी है। इतनी आसानी से राजवीर जीत जाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि कड़ी टक्कर तो होगी, लेकिन सीट मुझे लगा कि भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बाकी तो समय ही बताएगा कि जैसा कि हमने पिछली बार जिक्र किया कितना वोट फीसद बढ़ता है, क्या होता है, क्योंकि इस बार जो है वोटर बहुत उदासीन दिखाई दे रहा है। वोटरों में वो जो उत्साह होता है, वोटरों में जो एक ये होता है कि भाई खुशी हो रही है और लाइनें लगी हुई हैं और भाग दौड़ हो रही है, एक जश्न का माहौल है, वो इस बार ना पोलिंग बूथ पे दिखाई दे रहा है, ना शहर में दिखाई दे रहा है, ना लोगों में दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वायदे किए और भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से चुनाव कर रही है, जिस प्रकार से इवेंट बना रही है, उसमें उन्हीं के लोग नहीं आ रहे। वो जो भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तर का, तहसील स्तर का, ब्लॉक स्तर का कार्यकर्ता है, वो कहीं ना कहीं उस उत्साह के साथ चुनाव में नहीं आ रहा है। और जो इनके अलावा सहयोगी संगठन है, चाहे वो RSS हो, चाहे वो VHP हो, वो भी उस लिहाज से नहीं आ रहे हैं जो पिछले दो इलेक्शनों में इनके साथ आए थे। तीसरी चीज जो हमने देखा है कि जैसा मैंने कहा, थोड़ा सा हम मान के चलते हैं कि इसमें गर्मी का प्रभाव भी है, लेकिन कई लोग फिर ये कहते हैं कि गर्मी तो पिछले इलेक्शन में भी थी, उससे पहले 14 के इलेक्शन में भी थी। तो ये उत्साह एक होता है, गर्मी सर्दी तो चलती रहती है, लेकिन लोगों में अगर उत्साह होता है तो लोग निकलते हैं। तो उत्साह कहीं ना कहीं लोगों में नहीं दिखाई दे रहा। तो मैं मानता हूं अगर उत्साह नहीं है तो फिर लोग चुनाव से दूर हैं। और आप एक चीज और देखेंगे कि चाहे विपक्ष में कांग्रेस हो, चाहे मायावती की पार्टी हो, चाहे अखिलेश यादव भी हो, उनमें भी बहुत ज्यादा उत्साह आप नहीं देखेंगे। जिस प्रकार से पहले रैलियां होती थी विपक्षी नेताओं की, वो स्ट्रेटजी बनाते थे, वो भी कहीं ना कहीं इस चीज में मुझे पिछड़ते हुए इस बार नजर आ रहे हैं। इसीलिए हम लोग बार बार कह रहे हैं कि ये जो चुनाव भाजपा के खिलाफ लोग लड़ रहे हैं, ये जनता चुनाव लड़ रही है और जनता अपने तरीके से लड़ती, जनता एक हद तक चुनाव लड़ती है। तो इसलिए चुनाव जो है जनता और सत्ता के बीच है, विपक्ष खाली दूर से तमाशा देख रहा है, लेकिन विपक्ष में इसका अच्छा खासा फायदा होते हुए मुझे नजर आ रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो। अब जहां कांग्रेस को आप देख रहे थे कि उनकी मात्र एक सीट उत्तर प्रदेश में रह गई थी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है। समाजवादी पार्टी जहां बहुत कम वोटों पर सीटों पर सिमट गई थी, मुझे लग रहा है इस बार वो 2.5 के आंकड़े पर पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। बसपा तो 10 के आंकड़े पे थी पहले, तो बसपा हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो जाए। तो इस तरह से विपक्ष की सीटें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी कहीं टिकट काटना, कहीं टिकट देना, उस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी कई सारी चीजें की है। जहां टिकट कटना चाहिए था वहां काटा नहीं, जहां काटना चाहिए था वहां दे दिया और जहां देना चाहिए था वहां काट दिया। तो ये स्ट्रेटजी भी भारतीय जनता पार्टी की कई जगह नुकसान कर रही है। अगर हम फतेहपुर सीकरी की ही बात करें कि वहां पे जो उनके वर्तमान सांसद हैं उसका विरोध है, अगर वो काट के किसी दूसरे को दे देते तो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए जीतना थोड़ा आराम से सीट निकल सकती थी, मुफीद होता जीतना। क्योंकि मेरी जितने लोगों से बात हुई है जो निर्दलीय लड़ रहे हैं, इनके बाबूलाल के बेटे वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं, उनका कहना यह है कि हमारे समाज की पंचायतें हुई हैं और समाज ने हमारे ऊपर प्रेशर डाला है कि आपको लड़ना ही पड़ेगा। और समाज में पंचायतें ये भी हुई थी कि अगर राजकुमार 4 के अलावा कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो फिर तुम्हें चुनाव लड़ने की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने जिद करके इन्हीं को टिकट दिया, तो ये लड़ना हमारी मजबूरी है और जरूरी नहीं हम चुनाव जीतेंगे, ये उनको भी पता है, लेकिन वो नुकसान भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं कर रहे हैं। तो इसका फायदा ऑटोमेटिकली विपक्ष को हो रहा है। ऑल ओवर इंडिया की अगर आप बात करते हो, जो 93 सीटों पे चुनाव है उसमें मैंने पहले ही आपको कहा कि गुजरात में उनको अच्छा खासा फायदा हो सकता है और वो मान के चल रहे थे कि कर्नाटक में भी अच्छा फायदा होगा, कर्नाटक में भी उनकी जरूर सीटें ठीक ठाक आएंगी। लेकिन ये सारा मामला जो सीडी कांड हुआ है इससे भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान हो गया है। इसके अलावा अगर आप बाकी जगहों में देखेंगे, जहां जहां भी चुनाव है वहां पहले से ही भारतीय जनता पार्टी को खास नहीं कर रही थी। तो भारतीय जनता पार्टी तीसरे चरण में ये लगा के चल रही हो कि बहुत अच्छा चुनाव उनके लिए होगा और बहुत फायदा उनका हो जाएगा, तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह की सोच सकती है। गुजरात में ही सीटें अगर भारतीय जनता पार्टी लूज करेगी, भले ही वो एक भी सीट लूज करो, तो ये तो नुकसान ही है, फायदा कहां उसके लिए।
तो भारतीय जनता पार्टी का ये सोचना कि तीसरे चरण में उसके लिए बहुत अच्छा होगा या वो बहुत अच्छा कर पाएगी, मुझे नहीं लगता, ना मैं इससे इत्तेफाक करता। ईमानदारी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने स्वीकार कर लिया है और कोई भी भारतीय जनता पार्टी का व्यक्ति भी 400 की बात नहीं कर रहा है। अभी 3 दिन पहले 4 दिन पहले ही एबीवी पे दिबांग ने गृह मंत्री अमित शाह जी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने 2 बार पूछना पड़ा कि अभी आप कायम हैं 400 के पार पे, तो उन्होंने जेब मिटाते हुए कहा कि बिल्कुल हम कायम हैं, बोला 400 के पार, तो उन्होंने कहा 400 प्लस, तो वो खुद इस चीज से बचते हुए नजर आ रहे हैं। और आप देखते हैं कि ये 400 पार का जो नारा हुआ, इसी ने एक इतना बड़ा हथियार पिछड़ों को, दलितों को, एससी को जो दे दिया संविधान के मामले में, और उससे एक बहुत बड़ा जो वोट था भारतीय जनता पार्टी का वो खिसक गया है। अगर आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो वोट आया था उत्तर प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में भी, वो तो दलित वोट था, मायावती का सारा वोट भारतीय जनता पार्टी में चला गया था, तो वो इस चीज से खुश थोड़ा ही होगा कि अगर आप संविधान बदलने की बात करेंगे। उनको तो खुद याद आ जाता है कि भाई बाबा अंबेडकर और हमारा संविधान, और संविधान ने हमें हक दिया है, अगर संविधान बदल जाएगा तो हमारा हक छीन जाएगा, तो आपने क्या मुद्दा उनको पकड़ा दिया। तो मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी के कोई भी नेता 400 पार की बात कर रहा है। हमारे सूत्र बताते हैं या हमारी जो खबरें हैं, आपको याद होगा कि मोदी जी पिछले 10 साल से कभी भी नागपुर गए हैं तो वो दिन के दिन वापस आ गए हैं, और इस बार ये हुआ है कि मोदी जी ने वहां पे नाइट स्टे किया, और सूत्र बताते हैं कि उन्होंने मिलने की कोशिश की मोहन भागवत जी से, लेकिन मोहन भागवत जी से उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। उसके बाद जब आपको यहाँ आपके हमारे यूपी में चुनाव हुआ था, आई थिंक पहले चरण का ही चुनाव था 19 को, तो शायद 18 तारीख को अमित शाह भी पहुंचे थे और अमित शाह की भी मुलाकात नहीं हो पाई। माना यह जा रहा है कि मोहन भागवत इन 2-3 चीजों को लेकर खासे नाराज दिखाई देते हैं कि आपने जो मोदी की गारंटी कहा है उससे वो खासे नाराज। वो कहते हैं मोदी की गारंटी क्यों है, भाजपा की गारंटी क्यों नहीं है, कमल की गारंटी क्यों नहीं है, संगठन की गारंटी क्यों नहीं है। तो इससे कहीं ना कहीं आरएसएस और जो दूसरे सहयोगी दल हैं वो नाराज हैं, और मुझे लगता है यही उसका एक नतीजा है कि जो बूथों पे आरएसएस की जो टीम है वो दिखाई नहीं दे रही। दूसरा एक कारण इसका ये भी है, इससे भी कहीं ना कहीं मोहन भागवत नाराज दिखाई देते हैं कि ये जो 400 पार का नारा दिया है, 400 पार के नारे की कोई जरूरत नहीं थी, अननेसेसरी एक नारा दे के विपक्ष के हाथ में हथियार थमा दिया है, और विपक्ष उसको जो है बुना रहा है, विपक्ष जितना उसको मुद्दा बना सकता है विपक्ष बना रहा है, बाकी चर्चा में ये मुद्दा आ गया, और इससे भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत बड़ा चंक टूट गया है, और भारतीय जनता पार्टी को एक बहुत बड़ा नुकसान इस नारे की वजह से हो गया है, तो इसमें भी संज्ञान आरएसएस ले रहा है, ये तमाम कारण है। जी जी, बहुत शुक्रिया केपी मलिक साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा करने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। तो ये अलग अलग पत्रकारों का एक हमने एक साथ एक पैनल बनाया और वो हम आपके सामने लेकर आए, और उत्तर प्रदेश की राजनीति और देश की राजनीति किधर जा रही है तीसरे चरण के मतदान के बाद, वो हमने समझने और जानने की कोशिश की है। फैसला क्या होगा जनता जनार्दन का, किसको जीत मिलेगी किसको हार मिलेगी, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा, लेकिन उससे पहले विश्लेषणों का दौर शुरू हो चुका है, कयासों का दौर शुरू हो गया है, और अब प्रेडिक्ट किया जाने लगा है, यहाँ पर परसेप्शन बनाया जाने लगा है कि कौन आगे कौन पीछे। राजनीतिक दल अपने तरीके से कर रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषण जो हैं, विश्लेषक जो हैं वो अपने तरीके से कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार अपने तरीके से कर रहे हैं। आगे भी हम आपके सामने ऐसे ही विश्लेषण लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों।